हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए एक इलस्ट्रेशन जो कि है लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग्स पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है, प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा पूरा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और क्या बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या माना, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी नॉट और टी नॉट माना, इस स्प्रिंग में के एक्स वन और के एक्स टू माना, और इसमें मान लिया मैंने टी वन, ठीक है। अब भूल से भी इन के एक्स और के एक्स मत मान लेना, इक्वल मत कर देना, नहीं तो आंसर में बहुत गड़बड़ी आ जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। और मैंने इन सब के फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, FPD जिनको आप कहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे पहले, ठीक है, सबकी। तो टी नॉट इज इक्वल टू पहले के लिखते हैं के एक्स वन प्लस एम वन जी। हमेशा इस टाइप की प्रॉब्लम में पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, तो ही आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। T naught is equal to kx2 plus m3g, ठीक, और kx2 is equal to T1 plus m4g, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले T1 को T naught को हम क्या लिख सकते हैं, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं इधर, हाँ, T naught का क्या हो जाएगा, m2 plus m1 इंटू जी, एक ये आ गया, एक ये आ गया है, और दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अब के एक्स टू के फॉर्म में निकाल दें, ठीक है ना। तो अभी टी नॉट इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एम थ्री जी था, ठीक है, और इसको इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये वही इक्वेशन है। तो के एक्स टू हमारा क्या आ जाएगा, एम वन प्लस, एक मिनट, क्या लिख दिया, ये के एक्स टू है, ठीक है ना, के एक्स टू इज एम वन प्लस एम टू माइनस एम थ्री इंटू जी, ऐसा आ गया। अभी ये मैंने क्योंकि आपको आगे पता चलने वाला है, अभी हम क्या करेंगे, जब स्ट्रिंग कट कर दी, ठीक है, अभी स्ट्रिंग कट कर दी उसका देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टी वन तो हो जाएगा ज़ीरो, देखो ये टी वन कितना हो गया, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया तो ऊपर एक्सेलरेट करने लगेगा, ठीक है ना, ये जो एम फोर है वो ऊपर एक्सेलरेट करने लगेगा, तो इसको मैं एक्सेलरेशन मान लेता हूँ ए फोर, ठीक है। अच्छा, अभी एम थ्री भी है, एम थ्री भी क्या करने लगा, ऊपर एक्सेलरेट करने लगेगा, इसको मैं मान लेता हूँ ए थ्री। अच्छा, अभी जो ये पार्ट है, देखो अभी इसको ध्यान से देखना, अभी मैंने इसको काट दिया है, तो एम फोर और एम थ्री की टेंडेंसी ऐसी होगी कि ऊपर जाए, और ये दोनों की टेंडेंसी ऐसी होगी जो नीचे आए, ठीक है, ये एम वन और एम टू की ऐसी टेंडेंसी होगी कि वो नीचे आ जाए ऐसे, ठीक है। तो इसका मैं मान लेता हूँ, इन दोनों का एक्सेलरेशन मान लेता हूँ ए वन है और इसका है ए टू, ठीक है। फिर थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रही है, तो मैं इसको, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर ले लेता हूँ, एक ही मिनट, इसको मैं, ठीक है। अच्छा, इतना आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो मोशन की इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है, एक मिनट, मैं ना इन सब को थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, और ऐसे, ठीक है, ऐसा आ गया हमारा। अभी हम करेंगे मोशन की इक्वेशंस लिखेंगे, तो फटाफट अभी लिख देते हैं मोशंस की इक्वेशन। तो देखना, अभी पहले उसके इसके लिए लिखते हैं ना, एम वन के लिए, तो क्या होगा, के एक्स वन प्लस एम वन जी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एम वन ए वन, ये होगा सेम। और इसके लिए क्या होगा, एम टू जी माइनस टी के एक्स वन माइनस के एक्स वन इज इक्वल टू एम टू ए टू। अच्छा, ये हो गया। अभी इसके M3 के लिए क्या होगा, T नॉट माइनस के एक्स टू माइनस एम थ्री जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम थ्री ए थ्री, ओके। अच्छा, और हम क्या लिख सकते हैं, M4 के लिए हम लिख सकते हैं के एक्स टू माइनस एम फोर जी इज इक्वल टू एम फोर ए फोर,
ओके ये हमारा आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम टी नॉट को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, जो जो के एक्स वन था उसको हम इधर डालेंगे और ये जो टी नॉट है उसको इधर डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैसी लग रहा है पर कोई बात नहीं, हम अभी इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। देखो अभी अब देखते जाइएगा, सिर्फ देखो के एक्स वन क्या एम टू जी था प्लस एम वन जी है। ठीक है, अच्छा और टी नॉट हमारा क्या है, एम वन प्लस एम टू इंटू जी इज इक्वल टू एम वन ए वन। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ए वन हमारे पास क्या आ गया माई डियर फ्रेंड्स, ज़ीरो आ गया। ठीक, तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ मैं ए वन इक्वल टू ज़ीरो, एक हमारा ये आ गया। ठीक है, अच्छा अभी के एक्स वन को फिर से हम डालेंगे इस इक्वेशन में। देखना ध्यान से देखना, के एक्स वन को हम इस इक्वेशन, एक एक्स वन एम टू जी था, हम इसके एम टू जी पुट करेंगे तो एम टू जी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए टू। तो माई डियर फ्रेंड्स देखो कैंसिल हो गया, तो ए टू भी कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो इधर लिख देता हूँ ए टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अभी इसकी बारी, ये थर्ड इक्वेशन जो हमारे कब से लटक रही है, इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, एम टू प्लस एम वन डाल सकते हैं और के एक्स टू हमने निकाला था और एम थ्री जी भी हमने निकाला था। तो चलिए पहले इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं सारी वैल्यूज़, टी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, एम वन जी प्लस एम टू जी और माइनस के एक्स टू के लिए क्या ले सकते हैं, एम वन प्लस एम टू माइनस एम थ्री जी इज इक्वल टू एम थ्री ए थ्री, ऐसा आ जाएगा। और बार माइनस एम थ्री जी बी था हमारा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि बार माइनस है इधर, ये बार माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस एम थ्री जी हो जाएगा और एम थ्री जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा एक साइड ज़ीरो हो गया, तो ये ए थ्री भी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया ज़ीरो हमारा ए थ्री। तो इधर मैं फिर से लिख देता हूँ बड़े अक्षर से ए थ्री इक्वल ज़ीरो। देखो कितना आसान है, सब ज़ीरो ज़ीरो आते जा रहे हैं। अभी देखना, अभी के एक्स टू एक की लास्ट इक्वेशन बचा है, के एक्स टू इक्वल्स टू एम फोर जी। अब के एक्स टू के वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम वन प्लस एम टू माइनस एम थ्री और माइनस एम फोर भी आएगा, और मैंने जी इसमें सम में से कॉमन ले लिया। आप इस वैल्यू को इधर पुट करके देख सकते हैं और नीचे डियर बाय हम एम फोर कर देंगे तो ए फोर आ जाएगा, ये आ गया आपका ए फोर। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही इजी सवाल था, मतलब बहुत नहीं था पर थोड़ा तो इजी सवाल था ही। आपको सिर्फ ऐसे इक्वेशंस लिखे और उसमें पुट कर दे जाना है। देखो ये कितनी अच्छी वैल्यू थी, ये सब ज़ीरो आते गए ना, और ये लास्ट में सिर्फ थोड़ा गंदा आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम एक और इलस्ट्रेशन लेके आएंगे जो इससे भी अच्छे इलस्ट्रेशन है। तो मीट यू नेक्स्ट टाइम।